मैं हूँ हल्द्वानी में, जो कि पड़ता है हमारा उत्तराखंड के अंदर, और हमने स्टार्ट किया है अपना यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ड्रीमी डेजर्ट्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे होटल के रूम्स है, हमारा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे साथ साथ हमारा बैंक्वेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग कंप्लीट कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसके कि अंदर हमारी कंप्लीट हायरिंग होती है, हमारे जो मेन्यूज होते हैं उनकी रेसिपीज होती है, SOPs होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती है, इक्विपमेंट्स हमारा पूरा का पूरा होता है। तो आप बोल सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो काफी सारी सीरीज के अंदर वीडियोस आने वाली है, जिसके अंदर आप ये सारी प्यारी चीजें सीखने और समझने वाले हैं। मतलब ये जो टॉपिक है ना, वो इस मतलब वो साइंटिफिक तरीके जाने के लिए नहीं है। मतलब ये जो टॉपिक है बेसिकली इसलिए कि हम अगर हम लोग ये आइटम सर्व कर रहे हैं ना, तो हमको उसका टेम्परेचर इतने तक लेके जाना है, ठीक है ना। मतलब वो तो अभी मतलब होता है ना, किसी का मीट जैसे अगर आप अफ्रीकन लोग देखोगे, वो 6 फीट वाला भी इतना हट्टा कट्टा होता है। इंडिया में 6 फीट वाले बेचारे कमज़ोर से होते हैं, ठीक है। वो तो फिर एक तरीके से उनके जेनेटिक ही ऐसी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब, अगर कोई भी कीमा अगर आप सर्व कर रहे हो, तो उसका जो टेम्परेचर आपको 160 तक लेके जाना है, तब उसको क्या माना जाएगा कि वो सेफ है और कुक हो गया है वो। ये है मेन, ठीक है। उसके बाद है आपका मुर्गी, ठीक है, मतलब पोल्ट्री। अब पोल्ट्री में हमारा बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अभी टर्की बोला, ठीक है, चिकन हम लोग ने बोल दिया, पिजन हम लोग बोल रहे हैं, और क्या आएगा टर्की में, डक हमारा हो गया है, बटेर आ गया है ना, पिजन हो गया, ठीक है, तीतर बटेर जो भी आप लगाओ, अगर वो हम लोग सर्व कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर हमको 165 तक लेके जाना है। हाँ, मतलब यहाँ पे आप ये भी छोड़ दो कि कुक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी एक तरीके से अगर उसको भी साइड कर दें, बट इतने तक टेम्परेचर हमको लेके जाना है ताकि वो खाने में सेफ हो। मतलब कि जो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है ना, वो ख़त्म हो जाए, अगर इसको दूसरी तरीके से हम लोग समझने की अगर हम लोग बोलें, ठीक है जी। तो 165 तक, अब आप देखोगे ना कि ये तो और मोटे मोटे जानवर थे, ये तो और छोटा जानवर है, इसको तो और टेम्परेचर कम होने, बट ये तो और बढ़ गया, है ना। मतलब ये और डेंजर है चिकन, मतलब अगर ना जैसे सालमोन लेना, आपने सुना होगा जैसे मुर्गियों में बीमारी है, सबसे ज़्यादा मुर्गियों में बीमारी आती है, मटन बकरों में तो आपने कब सुना होगा बीमारी आती है, चिकन में सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। तो ये तो जो जीव जंतु जितना डेंजरस है ना, उसके लिए उतना टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, जो जितना ईजिली अवेलेबल हो जाए। जैसे बीफ वगैरह थोड़ा मुश्किल से अवेलेबल होगा, मटन थोड़ा और महंगा हो गया तो लोग थोड़ा कम खाएंगे, ठीक है, ग्राउंड मीट थोड़ा और महंगा हो गया वो, और चिकन और सस्ता हो गया, ठीक है, उसका टेम्परेचर और बढ़ गया। उसके बाद है हमारे अंडे, अगर अंडे भी हम लोग खा रहे हैं तो जो टेम्परेचर हमारा 160 डिग्री अगर हमारा तक हमको लेके जाना है, उसके बाद ही अंडे को हम लोग कुक और सेफ मानेंगे अपने खाने के लिए, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है मच्छी, ठीक है, मच्छी सबसे जो सबसे अगर आप देखेंगे 145 इसका है। तो कोई भी मच्छी, जैसे मैं फ्राइड फिश बोल रहा हूँ, या मैं ग्रिल फिश बोल रहा हूँ, या मैंने ओवन के अंदर उसको बेक कर दिया है, तो उसका टेम्परेचर भी मेरा कितना 145 डिग्री मेरा करीब होना चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट है मेरा कैसरोल्स एंड लेफ्ट ओवर। अब कैसरोल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रेवी वाले मेरे आइटम, और लेफ्ट ओवर का मतलब होता है ऐसा खाना जो मैं दूसरे दिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, शाम के टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, या तीसरे दिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसा खाना अगर कोई भी अगर मैं सर्व कर रहा हूँ, तो उसका टेम्परेचर देखो सबसे ज़्यादा जा रहा है 165 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो खाना कल का था उसको मुझे और गर्म करना ज़्यादा, ठीक है, और उसका टेम्परेचर मेरे को 165 तक लेके जाना, उसके बाद उसको मुझे सर्व करना है। सेम कैसरोल का मतलब कोई भी ग्रेवी, जैसे मैं बोलता हूँ कि ग्रेवी वाले आइटम, जैसे मैं बोलता हूँ मैं चिकन करी हो गया, मटन रोगन जोश हो गया, ठीक है, अंडा करी मेरी हो गया, अभी यहाँ पे चाइनीज़ में मेरा चिली चिकन हो गया ग्रेवी वाला, ऐसे कोई भी आइटम, तो ऐसे वाले आइटम को और उसका टेम्परेचर और ज़्यादा होना चाहिए। या मैंने दाल मखनी कल बनाई थी, कल बनाने के बाद उसको मैंने फ्रिज में ठंडा उंडा करके रख दिया, और आज मैं उसको सर्व कर रहा हूँ, तो आज मैं उसको सर्व कर रहा हूँ, तो उसका टेम्परेचर मेरे को 165 तक लेके जाना है, तब मुझको सर्व करना है।